शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए अब खबर देखते हैं खापरखेड़ा से। खापरखेड़ा पुलिस थाना अंतर्गत कोराडी रोड तुलसी हॉल के पास शुक्रवार की दोपहर के समय में एक दुर्घटना हुई, जिस दुर्घटना में मौत से जूझ देने वाले जख्मी हुए और आखिरकार शनिचर की रात 9:45 बजे के दरमियान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अजय राजू शिंगड़े उम्र 19 साल इंदिरा नगर आबादी खापरखेड़ा ऐसा मृतक का नाम बताया जा रहा है। मृतक के हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन ने उड़ाकर घटनास्थल से अज्ञात वाहन के साथ चालक भी फरार हो गया था। इस दुर्घटना में जख्मी घटनास्थल पर खून से लथपथ कुछ देर तक पड़ा रहा। घटना दिन में ही दोपहर की और मार्ग से आवागमन ज्यादा रहने से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर नजदीकी चिचोली स्वास्थ्य केंद्र में जख्मी को उपचार के लिए ले गए, लेकिन जख्मी की हालत चिंताजनक रहने से उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र के ही एम्बुलेंस से ऑक्सीजन लगाकर नागपुर के मेयो अस्पताल में रेफर किया गया, जहां कुछ देर बाद मेयो के डॉक्टर ने उपचार के दरमियान जख्मी को कोरोना पॉजिटिव बताकर उपचार में लापरवाही की जाने का आरोप परिजन कर रहे थे। मृतक के परिजनों ने मेयो प्रशासन पर रोष व्यक्त कर ऐसे ही कारनामे और भी अन्य मरीजों के साथ होने की बात कही जा रही है। मृतक को कोरोना पॉजिटिव रहने से शव का अंतिम संस्कार प्रशासन द्वारा ही नागपुर मोक्षधाम में ही किया गया। उक्त दुर्घटना में अज्ञात वाहन चालक को खापरखेड़ा पुलिस ढूंढ रही। खबर ने कोणी म्हणजे बाइक वाले ठोकलं आणि ती एक्सीडेंट केलं होतं, तिथं वाटर ठेवलं, त्याच्या बाजूने कोरोना पॉझिटिव्ह झाला म्हणून त्या वाटर टाकला, विस्तू नाही टाकलं आणि त्याची मौत रात्री 9:45 सांगलं आणि मी गेलो आता सकाळी, तर मला म्हणे सिरियस तसाच आहे म्हणे, पण काही सांगलं नाही मेला म्हणून रातभर लागलं होतं, लक्षाला लागलं होतं। राजू अजय राजू शिंगडे आम्हाला काही मालूम नाही आणि घरी त्याची तब्येत काहीच खराब नव्हती, कोरोना पॉझिटिव्ह करून त्याला मारून टाकलं, मारून टाकलं। इनबीसीएन न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजवे की रिपोर्ट।